वेलकम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स उसके टाइप्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में और इसी चैप्टर का एक सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स जिसमें आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स और मल्टीप्लीकेशन में हम तीन टाइप्स के मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स तो पार्ट फर्स्ट में हम वेक्टर्स इसके टाइप्स और वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन और पोजिशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात है वेक्टर क्या होता है या इसमें एक और टर्म हम पढ़ते हैं स्केलर क्या होता है अब ये दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है अ फिज़िकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीचूड ओनली इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैगनीचूड नमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज़। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखी है मास इज़ अ स्केलर कोंटिटी वर्क इज़ अ स्केलर कोंटिटी टेम्परेचर इज़ अ स्केलर कोंटिटी इसी तरह से और भी बहुत सारी क्वान्टिटीज़ यह है जो स्कीलर कोटिटीज़ है जैसे डिस्टेंस है इसी तरह से और भी बहुत सारी है नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वांटिटी है डेट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है ये ऐसी क्वांटिटीज होती है मैथमेटिक्स में जिसमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वन इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन जिसके लिए कभी कभी सेंस का यू वर्ड भी यूज़ किया जाता है तो वो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होगा जिसमें डायरेक्शन होगा दोज़ आर नोन एज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ तो इसकी एग्जाम्पल्स में हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इसी तरह टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ऐसी बहुत सारी और वेक्टर क्वांटिटीज़ है एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है अब इन्हीं वेक्टर क्वांटिटीज़ की होती है रिप्रेजेंटेशन कैसे ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सबसे पहली बात मैथमेटिक्स में लाइन की जब बात की जाती है हम बोलते हैं लाइन जो है ये एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसकी जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है अगर इसी लाइन सेगमेंट का एक सॉरी इसी लाइन का एक पोर्शन हम कट करेंगे डैट मीन्स पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर हम इसको कट करेंगे तब जो ए बी बनेगा ए बी माना जाएगा एज़ लाइन सेगमेंट और अगर इसी लाइन सेगमेंट ए बी को हम कोई एरो देंगे मीनस डायरेक्शन देंगे ए टू बी या बी टू ए तब इसी लाइन सेगमेंट को बोला जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और जिस लाइन का ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं सपोर्ट ऑफ अ वेक्टर तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स का यूज करते हैं मींस वो लाइन सेगमेंट जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन उसी को हम वेक्टर्स uh, को दिखाने के लिए यूज करते हैं अब इसी वेक्टर में दो चीज़ें होती है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज नोन एज टेल ऑफ द वैक्टर जो इसका एरो की तरफ एंड पॉइंट होता है दैट इज नोन एज हेड ऑफ़ द वेक्टर। तो एक वैक्टर के दो पॉइंट्स होते हैं टेल ऑफ अ वैक्टर हेड ऑफ अ वैक्टर और जोमेट्रिकली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से अगर ए और बी एक लाइन सेगमेंट है और हमने इसको ए बी डायरेक्शन दिया तब ये माना जाएगा ए बी वैक्टर और इसी ए बी वैक्टर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं माइनस टाइम्स बी ए वैक्टर डैट मीन्स टेल से शुरू करना हैड की तरफ जाना है तब आएगा पॉजिटिव डायरेक्ट साइन अगर उल्टा कर लिया हमने हेड से आए टेल की तरफ तब सामने क्या रखना है माइनस इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ये था बेसिक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अ वेक्टर वेक्टर के कितने सारे टाइप्स होते हैं पहला जो टाइप ऑफ वेक्टर जो हम पढ़ेंगे यहां पे, दैट इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट का मतलब हो गया टेल एंड फाइनल पॉइंट का मतलब हो गया हेड इज कॉल्ड नल वेक्टर ऐसा एक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मीनस इनिशियल पॉइंट टेल एंड टर्मिनल पॉइंट फाइनल पॉइंट हेड दोनों एक ही जगह पे होंगे इसको जोमेट्रिकली एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है तो इसको जोमेट्रिकली जो है डॉट से रिप्रेजेंट जब भी डॉट होगा वेक्टर्स की केस में डेट मीनस नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर और इसको कैसे दिखाया जाता है ज़ीरो और उसके ऊपर ऐसे वेक्टर की साइन दिस मीनज़ ज़ीरो वेक्टर तो इन शॉर्ट नल वेक्टर होगा या जीरो वेक्टर होगा ये दोनों सेम हैं ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा ज़ीरो होगा और इनकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी ये है पहला टाइप ऑफ वेक्टर दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर जो है उसको हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर अब यूनिट वेक्टर कौन सा हुआ ये वो वेक्टर है जिसकी एक तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी प्लस इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का वो वन के बराबर होगा वो वेक्टर जिसमें एक डायरेक्शन होगा और इसका मैग्नीट्यूड वन के बराबर होगा डेट वैक्टर इज नॉन एज यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर को दिखाने के बहुत सारे तरीके है जिसका भी हम यूनिट वैक्टर जिस भी वैक्टर का हम यूनिट वैक्टर निकालते हैं उसके ऊपर हम ये एक सिंबल रखते हैं नॉन एज कैप कैप से रिप्रजेंट किया जाता है यूनिट वैक्टर को तो यहाँ पे एन कैप का मतलब हो गया एन कैप एक यूनिट वेक्टर है ई e कैप का भी मतलब क्या हो गया यूनिट वेक्टर। ए कैप का भी मतलब क्या हो गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है इफ़ वे हैव अ वेक्टर ए अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ए है हम इसमें से वो वेक्टर निकालेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वन के बराबर होगा यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर निकालने का तरीका क्या है इसी वेक्टर ए को खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा हमें उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है तो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो होगा यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर के लिए एक फार्मूला हम आगे लिखेंगे कैसे मैग्नीचूड निकाला जाएगा तो जब हम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे तब इसका हम सीखेंगे मैग्नीचूड भी किसी भी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है तो सिंपली अभी याद रखना है यूनिट वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मीन्स किसी भी वेक्टर का वो पार्ट जिसका मैगनीच्यूड वन होगा हम उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड या हम बोल सकते हैं मॉडलस उसका दिखाने का तरीका ये है ए कैप मॉडलस वो हमेशा वन के बराबर होगा तो ये था सेकेंड टाइप ऑफ वैक्टर नॉन एज यूनिट वैक्टर थर्ड टाइप ऑफ वैक्टर हमारे पास है इक्वल वैक्टर्स इक्वल वेक्टर्स मीन्स दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स कब होते हैं इक्वल कब हम कह सकते हैं दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है उसमें दो कंडीशंस होती है जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा ऐसे दिखाते हैं मैग्नीट्यूड मॉडलस में और जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा सेम अगर ए बी है एक वैक्टर ए से लेके बी तक है डायरेक्शन पी क्यू है एक दूसरा वेक्टर पी से लेके Q तक है डायरेक्शन ए बी वैक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर वैक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर तो सिंपल सी बात है अगर दो वैक्टर्स को इक्वल दिखाना है एक तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनका सेंस उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तब हम कहेंगे दो वैक्टर्स क्या है दे आर इक्वल टू ईच अदर नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वैक्टर्स हमारे पास है वह है नगेटिव ऑफ अ वक्टर किसी भी वैक्टर का नगेटिव क्या होता है किसी भी वैक्टर का नेगेटिव होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अगर हमारे पास ए बी एक वैक्टर है तब इसका अपोजिट क्या आएगा मीन्स इसका नेगेटिव क्या आएगा माइनस टाइम्स बी ए वक्टर ए बी वैक्टर का मीनिंग होता है ए ज द टेल एंड बी इज द हेड मीन एरो मतलब है बी इज कंसिडर्ड एज एंड एज कंसिडर्ड एज लेकिन एरो इसीलिए हम यहाँ पे एक माइनस साइन अटैच करते हैं दिस इज नोन एज नगेटिव वैक्टर अ वैक्टर हुआ मैग्नीट्यूड सेम होता है बट ऑनली डायक्शन इज अपोजिट इसीलिए हम यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करना मीन्स अपोजिट डायरेक्शन को दिखाना नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्टर जो है वह है कोलिनियर वैक्टर्स दो या दो से ज्यादा वैक्टर्स टू और मोर देन टू वैक्टर्स विच लाई अलॉन्ग द सेम लाइन और विच आर पार्लल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोलिनियर वैक्टर्स दो या दो से ज़्यादा वैक्टर्स जो एक ही लाइन के पे आएंगे मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे और मीन्स जिनका डायरेक्शन सेम होगा और दूसरा कंडीशन है या या वेक्टर्स आपस में क्या होने चाहिए पार्लल होने चाहिए अब पार्लल वैक्टर्स कौन से होते हैं ये वो वैक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होगा और जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है ठीक है मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है दीज आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर्स है ये वेक्टर्स कब होंगे पैरेलल जब हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे मीन्स दो में से एक वेक्टर होगा मीन्स ए वेक्टर इज एकवल टू लैमडा टाइम्स बी वैक्टर जहाँ पर लैमडा इज़ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लैमडा जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए अगर हम इसी वैक्टर को एग्जाम्पल से समझेंगे एक वैक्टर लेंगे ए और दूसरा वैक्टर लेंगे बी कम्पोनेंट फॉर्म में एक वैक्टर को दिखाने के लिए स्पेस में तीन कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है एक्स आई कम्पोनेंट जे कंपोनेंट के कम्पोनेंट आई कंपोनेंट मीनस कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सीज कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सीज एंड के मीनस कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सीज आई कैप का मतलब होता है यूनिट वैक्टर अलोंग एक्स एक्सीज जे का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सीज के का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सीज तो बी वेक्टर हमने दूसरा वेक्टर लिया 2xi, 2yj, 2zk। टू वाई जे टू जेड के लेकिन बी वैक्टर से आप देखो हम कॉमन निकाल सकते हैं टू डेट मीन्स ए वैक्टर को हम लिख सकते हैं टाइस बी वैक्टर ए वैक्टर इज टू टाइमस बी वैक्टर तो दीज वैक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलियर वैक्टर्स जिनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है वायर लेमडा जो है लेमडा एक कॉन्स्टेंट होता है बट नॉन जीरो कॉन्स्टेंट इसी तरह से नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्टर्स जो है कोप्लानर वैक्टर्स है को प्लानर को प्लानर सेम प्लेन और पार्लल प्लेन। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स, या तो सेम प्लेन पे लाई करेंगे मींस एक ही प्लेन सरफेस पे होंगे उनका डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन अगर वो एक ही प्लेन के ऊपर है उनको हम कहेंगे को प्लानर वैक्टर्स अगर वो पार्लल प्लेन पे है मीन्स वो प्लेन जो एक दूसरे के पार्लल में होंगे दोज आर नोन एज को प्लानर मान लो ये फ़ोन का जो स्क्रीन है ये एक प्लेन सरफेस है अगर एक वैक्टर ऐसे लेंगे दूसरा वैक्टर ऐसे लेंगे तीसरा वैक्टर ऐसे लेंगे फोर्थ वैक्टर ऐसे लेंगे अब ये सारे वैक्टर्स जो है आप देखो ये सारे वैक्टर्स इसी फोन के स्क्रीन पे है सारे वैक्टर्स दीज आर नॉन एज को प्लानर वैक्टर्स क्योंकि ये एक ही प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किए गए हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्टर्स जो है वो है फ्री वैक्टर्स फ्री वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं अ वेक्टर विच कैन बी शिफ्टेड अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन और पैरल टू इट सेल्फ कोई भी ऐसा वेक्टर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वेक्टर है अगर हम इसको आगे ले जाएंगे और आगे प्लेस करेंगे ऐसे इसी लाइन में मैग्नीट्यूड चेंज करने के बगैर और इसका डायरेक्शन चेंज करने के बगैर अगर इसको हम इसी लाइन के स्ट्रेट में आगे शिफ्ट करेंगे या एक वेक्टर है इसको हम शिफ्ट करेंगे पार्लल टू इट ऐसे विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तब उस वेक्टर को कहा जाता है फ्री वेक्टर और फ्री वेक्टर्स, दूसरा होता है बाउंड वेक्टर, बाउंड वेक्टर कौन सा टाइप ऑफ वेक्टर है अ इनिशियल पॉइंट इज फिक्सड वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है फिक्स्ड होगा मीन्स इसकी जो टेल है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है उसको आप मूव नहीं कर सकते सो डैट द वेक्टर रिमेन्स इन अ फिक्स्ड पोजिशन आर कॉल्ड बाउंड वैक्टर्स डेट मीन्स ए फ्री वैक्टर्स के अपोजिट में है क्योंकि फ्री वैक्टर्स को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो चेंज इन मैग्नीट्यूड विदाउट चेंज इन डायरेक्शन बट मूव कर सकते हैं लेकिन बाउंड वैक्टर्स को हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्टर जो है वो है को इनिशियल वैक्टर्स को इनिशियल का मतलब हो गया वो वेक्टर्स दो या दो से ज्यादा जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो एग्जांपल यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर पॉइंट ए से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं. तो ए और बी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोज आर नोन एज को इनिशियल वैक्टर्स इसी तरह एक और छोटा सा टाइप होता है लाइक वैक्टर्स लाइक वैक्टर्स कौन से हो गए ये हो गए वो वैक्टर्स जिनका सेम सेंस होगा मीन सेम डायरेक्शन होगा दोज आर नोन एज लाइक वैक्टर्स इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है बट अगर दो वैक्टर्स का डायरेक्शन सेम हुआ इसको सेंस भी बोला जाता है देन दोजर्स आर नोन एज लाइक वैक्टर्स दीज वर द टाइप्स ऑफ वैक्टर्स ये कुछ टाइप्स ऑफ वैक्टर्स हमने डिस्कस किए अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आता है पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सीखा किसी भी पॉइंट की पोजीशन को निकालने के लिए हमने क्या किया था हमने दो पॉइंट्स का यूज़ किया था एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये ये लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कोऑर्डिनेट जोमेट्री में हमने पढ़ा था किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लेकिन अगर यही बात स्पेस में की जाए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट लेकिन इन सभी चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं तब हर एक पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है टेल ऑफ दैट वेक्टर जो है वो हम मानते हैं ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम का और एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ऑरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जैसे यहाँ मैंने इस डायग्राम में दिखाया है दिस वैक्टर ओ पी इज नोन एज पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी और जनरली इसको आर वैक्टर से दिखाया जाता है तो पोजिशन वैक्टर क्या होता है पोजिशन वैक्टर एक वेक्टर होता है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है जो हमें क्या करेगा जो हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को निकाल के देगा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और इसी पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम आगे देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है उसको हम इसी पोजीशन वेक्टर की मदद से डिस्कस करेंगे तो पोजीशन वेक्टर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें क्या करना है जिसमें हमें यह चीज़ याद रखना है कि पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है ये एक वेक्टर ही होता है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है जो यूज़ किया जाता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को दिखाने के लिए पोजिशन को दिखाने के लिए या तो टू डायमेंशनल सरफेस पे या तो थ्री स्पेस में अगर टू डायमेंशनल प्लेन में दिखाया जाएगा वैक्टर तब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट या अगर स्पेस में होगा ये वेक्टर तब इसमें आते हैं तीन कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट ये था पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो जनरल तरीका है वो है आर वेक्टर नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस तो अभी मैंने कहा एक स्पेस में दिखाने के लिए वेक्टर के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसी पॉइंट को अगर प्लेन पे दिखाना होगा तो दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर इसी चीज़ को स्पेस में दिखाना होगा एक तो हमें तीन लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है एक्स एक्सीज वाई एक्सीज जेड एक्सीज और तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट और इसी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को दिखाया जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे एक्स आई वाई जे प्लस जेड के वायर एक्स आई इज नोन एज एक्स आई कंपोनेंट मीन्स कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सीज वाई जे इज़ नोन एज कम्पोनेट एलोंग जेड वाई एक्सीज एंड जेड के इज़ नोन एज कम्पोनेंट अलॉन्ग जेड एक्सीज और आई जे और के क्या होते हैं दीज आर यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग आई एक्स एक्सीज वाई एक्सीज एंड जेड एक्सीज और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नीटूड ऑफ अ वैक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वैक्टर जो है आर वैक्टर पोजिशन वैक्टर किसी भी पॉइंट का कैसे निकाला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट स्क्वायर ऑफ़ z कंपोनेंट ठीक है तो यहाँ ये फार्मूला याद रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी मदद से हम बार बार वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और आगे जब इसी कॉन्सेप्ट को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है जब हम इसको आगे यूज़ करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्योंकि उसमें वेक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है तो उसमें हम देखेंगे ये जो x, y और z है तब इन्हीं को हम नाम देंगे वहाँ पे डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ वेक्टर जो हमें डायरेक्शन की को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं वहाँ पे ये जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन रेशोज़ तो ये था आज का लेक्चर कल आने वाले इसके सेकेंड पार्ट में हम इन वेक्टर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इन सभी लेक्चर्स का जो पी डी एफ़ है वो अवेलेबल रहता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो उसको आप फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ थैंक यू